हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल जिसका नाम है मुअज्जम हेल्थ एंड फिटनेस एजुकेशन। ये वीडियो है अबाउट हाउ टू गेट अ मैक्सिमम बेनिफिट्स व्हाइल वी आर रनिंग ऑन दिस मशीन ऑन ट्रेडमिल। ये एक प्रोफेशनल ट्रेडमिल है। जनरली जो हम लोग के घर पे ट्रेडमिल होता है उसमें लिमिटेड फंक्शन होते हैं, लेकिन ये प्रोफेशनल ट्रेडमिल है। उसका फ़ायदा, सबसे बड़ा फ़ायदा मैं बोलूँगा कि ये इंक्लाइन होता है और अच्छा खासा इंक्लाइन हो जाता है। उसका फ़ायदा ये होता है कि जो बेनिफिट्स हम पहाड़ों पे चलने पे लेते हैं या रनिंग करते हुए लेते हैं, वो बेनिफिट्स हम इस छोटे से मशीन में भी ले सकते हैं। साथ साथ में हम कैलोरीज कितना बर्न हो रहा है वो भी देख सकते हैं, हमारा हार्ट बीट कितना ऊपर नीचे होता है वो भी पढ़ सकते हैं, हम कितना स्पीड में चल रहे हैं दौड़ रहे हैं वो भी हम देख सकते हैं। तो ये तो हुआ जनरल फंक्शन इस ट्रेडमिल के बारे में। मेन पॉइंट्स में ये बता रहा हूँ कि हम लोग गौर करते हैं कि बहुत सारे लोग जो है वो अपना मेन वर्कआउट से पहले ट्रेडमिल में दौड़ते हैं या चलते हैं, और कुछ लोग अपना मेन वर्कआउट करने के बाद, फिनिश करने के बाद, सबसे लास्ट में रनिंग करके तब घर जाते हैं। क्या दोनों में डिफरेंस है, या किन लोगों को पहले करना चाहिए और किन लोगों को बाद में करना चाहिए? ये वीडियो आप फुल देखें, कंटिन्यू लास्ट तक देखें, आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि ट्रेडमिल में एक्चुअली होता क्या है। नाउ, जो मेन वर्कआउट करने से पहले एक्सरसाइज करता है, ट्रेडमिल में दौड़ते हैं या चलते हैं, वो लोग इसको यूज़ करते हैं एज ए वार्म अप, अपना हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। सिर्फ उनका मकसद फैट लॉस करना या वेट लॉस करना नहीं होता है, उनका मकसद होता है कि बॉडी को तैयार करना, बॉडी को वार्म अप करना और एनर्जी को बचा के रखना। जितनी भी एनर्जी यूज़ करना है वो अदर एक्सरसाइज में उसको करना होता है, अदर मसल्स में पंप करना होता है। यहाँ पे सिर्फ वो आया है बॉडी को वार्म अप करने के लिए और हार्ट को हेल्दी रखने के लिए। लेकिन जिसका टारगेट है वेट लॉस करना या फैट लॉस करना, एक्सपर्ट जो होते हैं वो रिकमेंड करते हैं, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, सिर्फ एक्सपर्ट लोग रिकमेंड करते हैं कि उन लोगों को अपने मेन वर्कआउट के फिनिश करने के बाद लास्ट में जाते समय ट्रेडमिल में वर्कआउट करें। अब ये क्यों करते हैं उस पर बात करते हैं, वो लोग ये एडवाइस क्यों देते हैं, क्यों रिकमेंड करते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात करना चाहेंगे, आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। सी, अगर आप घर से आते ही आप ट्रेडमिल पे टूट पड़ोगे और आधा घंटा आप इसमें दौड़ लिए कॉन्स्टेंटली, मैं मानता हूँ कि बहुत सारे कैलोरीज बर्न होगा। सपोज़ कि आप 500 कैलोरीज यहीं पे बर्न कर लिया आधा घंटा में ही, आप बहुत खुश हो गए। लेकिन वो कैलोरी सिर्फ आपने यहीं बर्न किया है, आपका एनर्जी बचा नहीं, आप अच्छे से अदर एक्सरसाइज परफॉर्म नहीं कर पाओगे। मान लो सपोज़ कि आपने वहाँ पे भी 500 कैलोरीज बर्न किया, तो 500 कैलोरीज बर्न यहाँ किए, 500 कैलोरीज बर्न वहाँ किए, आपने 1000 कैलोरीज बर्न किया, ठीक है। लेकिन आप ये एक घंटा में ही किए हैं, अदर 23 आवर्स में आपको रनिंग करने का कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेगा, कोई आपके बॉडी से कैलोरीज बर्न नहीं होगा आपने जितना भी रनिंग किया है, और वहाँ पे भी आपने अच्छा से एक्सरसाइज नहीं किया है तो उसका भी ज़्यादा बेनिफिट्स आपको नहीं मिलेगा। आप थोड़ा सा गौर से सुने, फैट लॉस और वेट लॉस में हम लोग मेनली क्या देखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कैलोरीज बर्न हो। अब मेन एक्सरसाइज की तरफ हम जाते हैं। अगर आप पहले वो एक्सरसाइज करें, ले सपोज कि आपने वहाँ पर अच्छे से एक्सरसाइज किया, आपने वहाँ पर 700 या 600 कैलोरीज ही बर्न किया है, ठीक है, अच्छे से एक्सरसाइज किया है और 600-700 कैलोरीज ही बर्न किया है, उसके बाद आप यहाँ पे आए और आपने 200 कैलोरीज ही बर्न किया है। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो पहले आपको लगेगा कि मैं ज़्यादा कैलोरीज यहाँ बर्न किया हूँ पहले रनिंग करके, आपको ऐसा ही लग रहा होगा, लेकिन बॉडी ऐसा नहीं कहता। जो आपने वहाँ अच्छे से एक्सरसाइज किया है, मसल्स को स्ट्रेच किया है, मसल्स को ब्रेक किया है, मसल्स को पंप किया है, उसका बेनिफिट्स ये होता है कि आपको जिम करने के बाद भी, आप जब घर जाओगे, रेस्ट करोगे, कहीं पे भी रहोगे, आपके 23 आवर जो बचे हैं वो पूरा दिन भर आपका कुछ ना कुछ कैलोरीज बर्न होते रहता है। क्यों? क्योंकि आपने वहाँ पर अच्छे से एक्सरसाइज किया है।
तो अगर दिन भर में भी आपका 1000 कैलोरीज बर्न होता है, 1000 कैलोरीज ऐसे बर्न हो रहा है और आपने 700-800 कैलोरीज यहाँ बर्न किया है, तो आपका कितना कैलोरीज बर्न हो गया। लेकिन अगर आप सिर्फ रनिंग पे फोकस कर रहे हो तो आपकी कैलोरीज यहीं बर्न हो रही है, आफ्टर द जिम यू आर नॉट बर्निंग एनी मोर कैलोरीज। तो ये साइंस है, ऐसे वर्क करता है बॉडी, तो आप ये ध्यान दें। नाउ हम इस पर कैसे दौड़ें, जो फैट लॉस करता है या वेट लॉस जिसका टारगेट है वो इस पर कैसे काम करें, कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम बेनिफिट्स ले। सी जनरली मैं देखता हूँ क्या कि एक ही स्पीड में कॉन्स्टेंटली आप रनिंग करते जा रहे हो, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ, थोड़ा सा वर्कआउट करके ही बता देता हूँ कि जनरली लोग क्या करते हैं। एक कॉन्स्टेंट स्पीड हो गया इनका, ठीक है, 5 में मैं कर देता हूँ इसको 25% में, ठीक है। अब ये है, कुछ लोग ऐसे ही करेंगे, थोड़ा स्पीड में बढ़ा देता हूँ तब आपको एक अच्छा से आएगा। ये एक कांस्टेंट स्पीड है मान लो किसी का भी, ठीक है, वो ऐसे ही कर रहे हैं और 10 मिनट 15 मिनट वो ऐसे ही कर रहे हैं बस, ठीक है। इससे क्या हो रहा है कि आपका हार्ट बीट जो है ना एक मैक्सिमम लेवल पे नहीं जाता है, आप कांस्टेंट हो गए हो। ऐसे एक्सरसाइज करने से, ऐसे रनिंग करने से बहुत ज़्यादा लॉस है। ज़्यादा देर तक आप कांस्टेंट इस तरह से करोगे तो आपका मास लॉस होने का चांस हो जाता है। आपको रनिंग किस तरह से करना है मैं आपको बताता हूँ। आप स्टार्ट ऐसे ही करो, ठीक है, 1-2 मिनट आप अपनी बॉडी को रेडी करो, वार्म अप करो, ठीक है, फिर आप इसका स्पीड बढ़ाओ। 10 सेकेंड 20 सेकेंड आप जितना देर रह सकते हो वो स्पीड बढ़ाओ, एंड देन फिर स्पीड आप घटाओ, ठीक है, फिर आप 1 मिनट इसी स्पीड में चढ़ो, फिर आप स्पीड बढ़ाओ। और आप फिर स्पीड घटाओ, ठीक, फिर आप स्पीड फिर बढ़ाओ। मैं आपको रीजन बताता हूं इसका। इससे क्या होता है, आप स्पीड बढ़ाते हो घटाते हो बढ़ाते हो घटाते हो, ऐसा इसलिए बोला जाता है कि हार्ट को है आपको ऊपर करना है फिर सडन नीचे करना है, फिर ऊपर करना है फिर नीचे करना है। जितनी बार आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे होगा, एकदम से ऊपर होगा फिर एकदम से डाउन होगा, ये जितना होगा उतना फैट आप बर्न करोगे, उतनी स्पीड में फैट आप बर्न करोगे। अगर आप देखोगे मेरा कैलोरी यहाँ पे स्क्रीन में, उस स्पीड से ही कैलोरीज भी बर्न होता है। रनिंग करने का मेन टारगेट जो होता है वो हार्ट को ऊपर नीचे ही करना होता है। जितना आपका हार्ट बीट ऊपर नीचे होगा उतना ही स्पीड में आप कैलोरीज को बर्न करोगे, यही टारगेट होना चाहिए। अब मैं बताता हूँ, एक प्रीकॉशन के लिए बता रहा हूँ मैं, हार्ट बीट को आप बहुत मैक्सिमम कर सकते हो। कितना मैक्सिमम वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, आप अपने कैपेबल के हिसाब से ही इसमें करें। आप सडनली कोई चीज़ एडॉप्ट नहीं करें, आप धीरे 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 करें। आप पहले थोड़ा स्पीड बढ़ाए फिर घटाए, फिर उससे थोड़ा स्पीड बढ़ाए फिर घटाए, फिर ज़्यादा करें फिर घटाए, ऐसे करें। एकदम से स्पीड को बढ़ाना दें, उससे क्या होगा कि अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगा हार्ट बीट बहुत ज़्यादा ऊपर हो जाएगा तो आपको हार्ट अटैक का भी आ सकता है। लेकिन इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एवरीथिंग जो है वो लिमिटेड में होना चाहिए और ग्रेजुअली इंक्रीज करना चाहिए। आपको स्टेज जो है पार नहीं करना चाहिए, स्टेज 1 से स्टेज 2 ही जाना है।
आप कभी ये नहीं करें कि स्टेज वन से जोश में आके स्टेज फाइव में टप जाएं या स्टेज फोर में टप जाएं, उससे आपको नुकसान आपको होगा। इसीलिए कोई भी वर्कआउट करे किसी को देख के ना करे कि वो ऐसे कर रहा है तो हमको भी ऐसे ही करना चाहिए। आप पूछ के करें, किसी के गाइडेंस के अंदर ही करें। थोड़ा सा ही मिस्टेक बहुत बड़ा मिस्टेक हो जाता है। इसीलिए बोला जाता है कि ईगो लिफ्टिंग ना करें। कोई अगर आपका 20 केजी का डम्बल उठा रहा है तो हो सकता है सेम एज का भी हो, आपको लग रहा है कि सेम एज का है तो मैं भी उठा लूँगा। अगर आपका बैकग्राउंड नहीं है, आपका मसल मैच्योरिटी उतना नहीं है, तो आप के अंदर बहुत सारे इंजरीज हो सकता है। सो आप अपने कैपेबल के हिसाब से काम करें। तो रनिंग भी एक वही है, मेन मकसद है कि आपको हार्ट को ऊपर नीचे करना होता है। सो दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।